हे गाइस, दिस इज शुभ्रम एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। फिलहाल हम है कनाथल में और अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कनाथल का एक ट्रैक है। हाँ सर, ये सफर ये कहाँ से होगी? यहाँ से आगे जाके 1.5 किलोमीटर जाके उसके बाद ऑफ रोड करता है। अच्छा, कितने लगता है ये सफारी में? सफारी का क्या जी, एक राइड का तो 1800 रुपये, एक राइड का है 3000 रुपये। जो छोटी वाली जो चौकी तक जाती है उसका 1800 रुपये पूरी जीप का, जिसमें 6 लोग या 7 लोग बैठ सकते हैं। और दूसरा जो है अगान टेम्पल तक जाती है, शिव टेम्पल, यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर है। अच्छा, उसका है 3000 प्लस फॉरेस्ट, यानी 3250 के अलावा पड़ जाता है। वहाँ से क्या है कि पूरा टीरी लेक भी दिखता है। अच्छा सर, इधर से दिख जाती है? नहीं, उधर से अगान जो लास्ट पॉइंट है। हाँ, उधर से टीरी लेक भी दिखता है। दूसरा अगर स्काई क्लियर आता है पूरा हिमालय रेंज दिखता है। और जो सफारी वाले रूट में जाएंगे तो ऑफ रोड, जहाँ से मेन रोड के बाद ऑफ रोड स्टार्ट होती है, हार्डली 300 मीटर के बाद जो है पूरा 180 डिग्री का व्यू दिखता है हिमालय का। ओके, मान के चलो आपका पूरा नंदा देवी से लेकर आपका बंदरपुर रेंज तक पूरा क्लियर दिखता है। फिलहाल हम ट्रैक अभी कर नहीं रहे, हम लोग जाएंगे सबसे पहले टेहरी डैम और फिर देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है, एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना राइड। हम लोग आ रहे थे तो रास्ते पे हमें क्या मिला, यस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और लोग भी आए हुए हैं, चलो दिखाते हैं आप। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, वरना यहाँ पे नहाने में जो मज़ा आएगा ना, एक नंबर। जैसे आपको पता नहीं साइज समझ में आ रहे हैं कि नहीं, तो काफ़ी अच्छा है। गाइस, यहाँ से टेहरी डैम जो है स्टार्ट हो रही है और उस साइड में भी है, बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप है, मतलब मज़ा आ गया। ये जगह को अगर मिस करके जाते तो बहुत कुछ मिस हो जाता, बहुत ही सही जगह है और आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आप आओ। सो ये है जगह जहाँ से सारा फन एक्टिविटीज़ होती है और यहाँ पे पार्किंग भी मिल जाती है, आगे बोटिंग और काफ़ी सारे चीज़ होते हैं, आपको दिखाएंगे क्या क्या होती है। हाँ ये देखें, ये आप नोट कर सकते हैं जो फीस है। तो राहुल कुछ करना है? हाँ, मतलब अपने औकात की बाहर है भाई, जो सब किया वोटिंग करते हैं, 4 लोग हो गए। वोटिंग 300 करके पड़ता है ना, 5%। क्या करें, अरे यहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं। कितने सारे मछली है कि जगह पे, किनारे किनारे वाले मछली हाथ से पकड़ लिया, इतना भी आसान नहीं है इनको पकड़ना। Thank you.
मटर बोट राइड की जो प्लान किया था हमने वो फिलहाल कैंसिल कर दिया हमने। हम एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे कोई है नहीं। हाँ, मैं देख के आता हूँ नीचे जाने का कोई रास्ता है कि नहीं। हाँ, ये भी काफ़ी सही जगह है, यहाँ कोई नहीं आ रहा, बैठने का भी जगह है। फिलहाल इधर तो धूप है लेकिन इसके नीचे शेड के नीचे आराम से बैठ सकते हैं। हेलो, सो गाइस, काफ़ी देर से हम ये लोकेशन पे बैठे हुए हैं जस्ट झील के ऊपर, और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 2:30, तो काफ़ी देर हो चुकी है, हमें भी जाना है देहरादून। तो ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो मुझे पता है आप लोगों को पसंद आया ही होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन को दबा के जाना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब का बटन तो ज़रूर दबाना है। तो उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करोगे। तो इसी के साथ फिर मिलेंगे कोई ऐसी एक खूबसूरत जगह पे। तो सी यू अगेन।